नमस्कार, आपका मेरे चैनल कृष्णा होम स्टाइल कुकिंग में स्वागत है। आज हम बनाएंगे व्हाइट सॉस पास्ता कुछ वेजिटेबल्स के साथ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ता बनाना। इसके लिए हमने ले लिया है एक पैन, उसमें पानी उबाल लिया है और उसमें घी ऐड कर दिया है। घी से हमारा पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। और नमक ऐड कर दिया है। नमक को इसी स्टेज पर ऐड करें जिससे हमारे पास्ते में नमक का अच्छा टेस्ट आएगा और जल्दी से पक भी जाएगा। इसके लिए हमने वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं, शिमला मिर्च, प्याज, ब्रोकली। आप अपने हिसाब से सब्जियां ले सकते हैं जो आप पसंद करते हों। पास्ता हमारा डन है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। पहले थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दिया है, आप चाहें बटर ले सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा हमको भूनना नहीं है। फिर इसमें हम अपनी सब्जियां ऐड कर देंगे। इसको भी एक बार चलाकर थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। इनको भी ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इनका थोड़ा सा कच्चा जो फ्लेवर होता है वो निकल जाए बस। इसको हम 2 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे, जिससे सब्जियाँ हल्की सी गल जाएंगी। हमारी सब्जियां गल चुकी हैं। मेरे पास रेड शिमला मिर्च नहीं थी, इसलिए मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। इससे आता है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। हमारी सब्जियां तैयार हैं। हम सब्जियों को निकाल दिया है और इसी पैन में घी ले लिया है और इसमें मैंने ऐड किया है मैदा। ग्रेवी के लिए मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और जितना मैदा लिया है उतना ही घी ऐड किया है। इसको हम थोड़ी देर चलाकर भूनेंगे। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे जिससे हमारे ग्रेवी में लम्स नहीं आएंगे। इसको हम चलाते रहेंगे। अब यह थोड़ा गाढ़ा हो गया है, इसमें थोड़ा दूध और ऐड करेंगे। अब इसको भी हम चलाते रहेंगे जब तक यह गाढ़ा ना हो जाए और हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हमारी ग्रेवी तैयार है। हम पास्ता चेक कर लेते हैं, हमारा पास्ता भी तैयार है। इसको हम 1-2 मिनट के लिए और भूनेंगे और यह ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तब हम इसमें ऐड करेंगे अपना पास्ता। हमारी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई है। इसमें हमने ऐड किया है ओरिगेनो और इसमें ऐड कर दिया है पास्ता। इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे इसी में। और इसमें फिर मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर दी है। इसको हम एक बार चला देंगे और अपनी वेजिटेबल्स डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे और 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपके पास चीज़ है तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं या मेयोनी भी ऐड कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हम इसमें अब नमक ऐड कर रहे हैं स्वाद के अनुसार। अब हम इसमें थोड़ी सी मलाई ऐड कर रहे हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और पास्ता की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी रिच हो जाएगी। इसको हम 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हमारा पास्ता बिल्कुल तैयार है और यह खाने में बहुत ही टेस्टी बना है। बच्चों की तो यह बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है। आप इसे अपने घर पर बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं या स्कूल में टिफ़िन में दें, बच्चे इसको झटपट खा जाएंगे। जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो भी आराम से वेजिटेबल्स खा लेंगे इसके साथ में, और यह बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।